Hello, welcome to my channel Mathsomatic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 8 decimals exercise 8.1 all questions solved. Ab hum log padhenge exercise 8.1. Pehla question bolta hai write the following as numbers in the given table. Yahan pe ek table diya hua hai aur diya hua figure ko hum logon ko table mein likhna hai. देखिए कैसे लिखना होगा. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. ये है मेरा टेंस. तो कितना है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10 ब्लॉक्स हो गया. यहाँ भी 10 है, 20 हो गया, यहाँ भी 10 है, 30 हो गया. तो टोटल मेरा हो गया टेंस में कितना, टेंस में हो गया मेरा 30. तो यहाँ पे टेंस कहाँ है देखिए, ये है मेरा टेंस, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 30. ठीक है, ये है मेरा ए का आंसर, ये हो गया मेरा 30. वंस कितना है देखिए, वंस सिर्फ एक है, ये हो गया मेरा वंस, सिर्फ वन आ गया. और टेंस में कितना है, टेंस में है दो, तो टेंस में यहाँ पे मेरा 2 आ गया. ठीक है, वैसे ही देखिए नंबर बी क्या बोलता है. बी में यहाँ पे मेरा कितना ब्लॉक्स है देखिए, ये है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पूरा है यहाँ पे मिला के 100. ठीक है, ये पूरा है मेरा 100 ब्लॉक्स. तो यहाँ पे हो गया मेरा 100, से मेरा क्या आ जाएगा, 100 ब्लॉक्स है ना, ये 100 आ जाएगा. और यहाँ पे टेंस कितना है, टेंस है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टेंस मेरा यहाँ पे 10 ब्लॉक्स है, तो यहाँ मेरा 10 आ गया. और यहाँ पे क्या है, वंस, वंस कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, वंस कुछ नहीं है, तो वंस क्या हो जाएगा, 0. वैसे ही यहाँ पे 100 कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में 0. और यहाँ पे मेरा टेंस में कितना है, टेंस में है मेरा 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया मेरा 4, ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, बस यहाँ पे देखना है कितना कितना ब्लॉक्स है, और वैसे वैसे इस टेबल में लिख देना है. ठीक है, ये है मेरा 1 का ए देखिए, ये हो गया मेरा 100 में 0, टेंस में आ गया मेरा 30, और वंस में आ गया मेरा 1, और टेंस में आ गया मेरा 2. यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है. देखिए यहाँ पे डेसिमल क्या हो गया मेरा, टेंस में है 30 और वंस में है 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 31, और टेंस में क्या है 2, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर. ठीक है, देखिए ये हो गया 30 प्लस 1 31, और पॉइंट के बाद पहला नंबर आएगा मेरा 2, तो पॉइंट के बाद मेरा पहला नंबर क्या आ गया, 2, ये हो गया मेरा 31.2. वैसे ही देखिए दूसरा वाला, 100 में आ गया मेरा 100, टेंस में आ गया 10, वंस कुछ नहीं था तो 0 आ गया, और टेंस में आ गया मेरा 4, तो पॉइंट के बाद क्या होगा, पॉइंट के बाद मेरा होगा 4. देखिए पॉइंट के बाद 4 आ गया, और उसके पहले क्या होगा, 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 कितना होता है, 110, यहाँ पे आ गया 110, तो मेरा टोटल क्या हो गया, 110.4. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. तो प्लेस वैल्यू टेबल में हमको 19.4, 0.3, 10.6 और 205.9 लिखने के लिए बोल रहा है. देखिए ये 2 का ए देखिए, ये है 19.4, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है, 4, यहाँ पे देखिए टेंस में आ गया मेरा 4. वैसे ही वंस में क्या है, वंस में है 9, देखिए वंस मेरा 9 आ गया, और टेंस में क्या है, टेंस में है मेरा 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10, क्यों, क्योंकि ये टेंस में था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, टेंस में था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग लिखे 1 इंटू 10, तो क्या होता है 1 इंटू 10, ये होता है मेरा 10. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया 10, यहाँ पे आ गया मेरा 9, यहाँ पे आ गया मेरा 4, तो 10 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 9 करेंगे तो आएगा 19, देखिए यहाँ पे 19 है ना, और यहाँ पे देखिए 4, तो 1/10 है, इसलिए डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या है, 4, देखिए डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या है, 4, तो ये आ गया मेरा 19.4. वैसे ही देखिए नंबर बी 0.3, तो देखिए पॉइंट के पहले क्या है, 0, इसलिए यहाँ पे देखिए 0 0 0, ये सब मेरा 0 हो गया. ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या है, पहला नंबर 3, इसलिए 1/10 के यहाँ पे 3 आ गया, इजी है. अब देखिए नंबर सी, ये कहता है 10.6, 10.6 मतलब पॉइंट के बाद मेरा 6 है, देखिए टेंस का नीचे में 6 आ गया. वैसे ही यहाँ पे देखिए वंस में क्या है, वंस में है मेरा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेंस में है क्या मेरा वन, टेंस में अगर वन है तो क्या होगा, वन है और ये टेंस का प्लेस है इसलिए वन इंटू टेन। देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे इंटू टेन है, जो भी नंबर होगा उसके साथ इंटू टेन होगा, इसलिए यहाँ पे वन था तो वन के साथ इंटू टेन किए तो क्या आ गया वन टेन जा टेन, यहाँ पे हो जाएगा टेन, इसलिए टेन प्लस जीरो करने से क्या आएगा, टेन प्लस जीरो करने से टेन आएगा, यहाँ पे टेन लिखा हुआ है। फिर है मेरा वन बाई टेन, वन बाई टेन मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद नंबर क्या है मेरा सिक्स, क्या आ गया सिक्स, टेन पॉइंट सिक्स। नंबर डी देखिए ये है मेरा पॉइंट, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है नाइन, देखिए वन बाई टेन की जगह में नाइन आ गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए पॉइंट के पहले क्या है फाइव, ये वन्स प्लेस है, देखिए वन्स में मेरा फाइव आ गया। ये टेंस में क्या है, टेंस में जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो आ गया। ये क्या है हंड्रेड, तो हंड्रेड मेरा क्या है टू, तो देखिए ये है मेरा हंड्रेड, हंड्रेड में क्या होता है हंड्रेड में इंटू हंड्रेड होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा टू, ये हो जाएगा मेरा टू इंटू हंड्रेड, यानी कि ये हो जाएगा मेरा टू हंड्रेड, ठीक है। टू के साथ हम लोग हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर लिए जो आ जाएगा मेरा यहाँ पे आ गया, तो टू इंटू हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड, यहाँ पे हो गया जीरो, यहाँ पे हो गया फाइव, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा टू हंड्रेड प्लस फाइव यानी कि टू हंड्रेड फाइव, यहाँ पे देखिए आ गया टू हंड्रेड फाइव, और यहाँ मेरा पॉइंट नाइन, ये हो गया टू हंड्रेड फाइव पॉइंट नाइन, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको इस टेबल में जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसा वैसा आपको यहाँ पे सजा लेना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ये कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। नंबर ए देखिए ये है मेरा सेवन टेंथ, सेवन टेंथ मतलब क्या होता है सेवन बाई टेन, तो देखिए हमको पता है ना अगर नीचे में एक जीरो है तो हम लोग ऊपर का नंबर में एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे सेवन को छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा मेरा 0.7। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा थ्री का ए, ये देखिए सेवन बाई टेंथ बोल रहा है, सेवन टेंथ यानी सेवन बाई टेन, देखिए ये हो गया मेरा आंसर 0.7, एक जीरो है ये ऊपर चल गया एक नंबर के सामने, मेरा ये पॉइंट लग गया, ठीक है, ये हो गया मेरा 0.7 आ गया। ये देखिए नंबर बी, ये बोलता है टू टेंथ एंड नाइन टेंथ, तो टू टेंथ मतलब टू इंटू टेन, टेंथ बोल रहा है मतलब इंटू टेन हो गया, एंड मतलब होता है मेरा प्लस, और फिर कहता है नाइन टेंथ, टेंथ मतलब क्या होता है वन बाई टेन, तो ये हो गया मेरा नाइन बाई टेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा टू इंटू टेन क्या होता है, टू इंटू टेन होता है मेरा ट्वेंटी, और ये क्या हो गया जीरो ऊपर चल जाएगा, तो ये मेरा हो गया ट्वेंटी प्लस 0.9, एक नंबर के बाद पॉइंट आ गया ना, ये हो गया मेरा 20 प्लस 0.9 यानी कि 20.9 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये है मेरा 20, 2 इंटू टेन हो गया और ये हो गया 9 टेंथ, तो 9 बाई टेन हो गया, ये हो गया 2 इंटू टेन यानी कि 20 और 9 बाई टेन हो गया मेरा, यहाँ पे ये हो गया 20 और ये हो गया मेरा 0.9, तो 20 प्लस 0.9 को ऐड कर लिए तो हो गया मेरा 20.9, ठीक है, ये हो गया मेरा 20 और प्लस 0.9, ठीक है, ऐसे आ गया, इसको ऐड कर लिए तो मेरा आ गया आंसर 20.9, आसान है। अब देखिए नंबर सी, ये बोलता है 14.6, देखिए ये हो गया 14 लिख लिए तो 14 और फिर हो गया पॉइंट और ये हो गया मेरा 6, तो हो गया आंसर 14.6। नंबर डी देखिए, ये कहता है 102 वन्स, तो 100 क्या हो गया 100, ये हो गया एंड मतलब क्या होता है प्लस और टू वन्स, टू वन्स मतलब ये हो गया मेरा टू और वन्स हो गया मेरा ये वन, तो 100 प्लस टू इंटू वन, देखिए 100 आ गया 100 प्लस टू वन्स यानी वन्स मतलब क्या होता है वन, तो हो गया टू इंटू वन, तो क्या हो गया 100 और टू वन जा टू, 100 प्लस टू यानी कि 102। नंबर ई देखिए, ये कहता है 600.8, तो 600 को लिख लिए फिर पॉइंट लिख देंगे और फिर 8, देखिए 600 ये हो गया फिर आ गया पॉइंट और फिर आ गया 8, ये हो गया 600.8, है ना, बहुत इजी है। नंबर फोर देखिए, नंबर फोर कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल्स में लिखना है। देखिए फोर का एक 5/10, ये देखिए फोर का ए है मेरा 5/10, नीचे में एक जीरो है तो ऊपर चल जाएगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, देखिए ऊपर चल गया तो फाइव एक नंबर था उसके बाद पॉइंट आ गया,
और उसके पहले कुछ नहीं है तो मेरा जीरो आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। 3 + 7/10 एक नंबर है, ऊपर जो हो जाएगा 0.7, देखिए 0.7 हो गया, तो 3 + 0.7 हो जाएगा 3.7। वैसे ही देखिए नंबर सी, ये कहता है 200 + 60 + 5 + 1/10, तो ये सब मेरा होल नंबर है। 200 + 60 + 5 ये क्या हो गया मेरा 265, ये देखिए 265 आ गया, + 1/10 तो ये ऊपर चल जाएगा जीरो, तो क्या होगा ये पॉइंट सामने आ जाएगा, ये हो गया मेरा देखिए 0.1 है ना, तो क्या हो गया 265 + 0.1 ये हो गया 265.1 आ गया आंसर। 70 + 8/10 तो ये जीरो ऊपर चल जाएगा तो 0.8 हो जाएगा, हो गया तो 70 + 0.8 मतलब 70.8 आ गया आंसर। नंबर ई देखिए 88/10 तो एक जीरो है, ये ऊपर चल जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये दोनों के बीच में आ जाएगा एक नंबर छोड़ के, ये आ गया 8.8 हो गया। एफ नंबर देखिए 42/10 ये क्या होता है, ये होता है 10 × 4 + 2, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं, ये और ये इंटू होगा और जो आंसर आएगा उससे ये प्लस हो जाएगा, तो 10 × 4 = 40 देखिए 10 × 4 + 2 10 × 4 = 40 + 2 = 42/10 तो 42/10 हो गया, तो क्या होगा एक जीरो है तो 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट, देखिए 4.2 हो गया मेरा। नंबर जी देखिए ये है मेरा 3/2, तो हमको पता है कि अगर डेसिमल में लिखना है तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, नीचे में हम लोग को 10 लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 कैसे आएगा, यहाँ तो 2 है तो 2 × 5 = 10 होता है, तो हम लोग नीचे इंटू 5 किए हैं, 2 × 5 = 10 ताकि मेरा नीचे में 10 आ जाए, इसलिए अगर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 × 5 = 10 हो गया, तो ऊपर में भी 3 × 5 यानी कि 15 हो गया, तो क्या हो गया 15/10 तो एक जीरो है, ऊपर चल जाएगा तो कहाँ जाएगा बीच में आ जाएगा 1.5 आंसर हो गया। वैसे ही देखिए 2/5 नीचे में हम लोग क्या करना है 10 लेके आना है, तो 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, देखिए इंटू 2 हो गया नीचे में, इसीलिए ऊपर भी इंटू 2 हो गया, तो हो गया मेरा 2 × 2 = 4 नीचे आ गया 10, तो एक जीरो है सामने आ जाएगा पॉइंट, ये गया 0.4 बहुत इजी है। नंबर आई देखिए 12/5 नीचे में 10 लाने के लिए इंटू 2 कर दिए, 5 × 2 = 10 इसीलिए ऊपर भी इंटू 2 कर दिए, 12 × 2 हो गया, ये देखिए 24/10 हो गया, एक जीरो है इसलिए एक नंबर छोड़ के आएगा पॉइंट, 2.4 आ गया आंसर। नंबर जे देखिए 3 × 3/5 तो यहाँ पे क्या होगा 5 × 3 = 15 + 3 = 18 देखिए 5 × 3 + 3 ये क्या हो गया 15 + 3 यानी कि 18 ये हो गया मेरा 18/5 ठीक है। तब यहाँ पे देखिए नीचे 5 है तो हमें क्या करना है नीचे 10 लेके आना है, तो 5 × 2 = 10 होता है, यहाँ भी इंटू 2 हो गया तो ऊपर भी इंटू 2 हो गया, तो 5 × 2 = 10 ऊपर हो गया 18 × 36 ये आ गया मेरा 36/10 एक जीरो है तो 6 छोड़ के सामने एक पॉइंट आएगा, देखिए 3.6 आ गया मेरा आंसर, ये 3.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए के बोलता है मेरा 4 1/2 ये क्या होगा मेरा 2 × 4 = 8 + 1 देखिए 4 × 2 = 8 + 1 हो गया, ये क्या हो गया 4 × 2 = 8 + 1 मतलब 9 हो गया 9/2 तो नीचे में 10 लेके आना है, तो 2 × 5 करेंगे 10 आएगा, इसलिए ऊपर भी इंटू 5 करेंगे ठीक है, नीचे में इंटू 5 होगा तो ऊपर भी क्या होगा इंटू 5 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 5 = 10 ऊपर जाएगा 5 × 9 = 45 ठीक है, ऊपर में हो गया मेरा 45 और नीचे में हो गया मेरा 10 तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 4.5 ठीक है। फिर से बताते हैं देखिए यहाँ पे है मेरा 4 1/2 ये हो गया मेरा 4 × 2 = 8 + 1 = 9 देखिए 4 × 2 = 8 + 1 = 9 कर दिए, नीचे में 2 था ये हो गया 9/2, अब नीचे में हम लोग को 10 लेके आना है अगर डेसिमल में लिखना है तो क्या करना पड़ा देखिए, तो 2 के साथ अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, अगर नीचे 5 को मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हम लोग 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 9 से क्या होता है 45 यहाँ पे मेरा 45 आ गया ना, यहाँ पे 45 आ गया और नीचे में क्या आया, नीचे में आया मेरा 10 तो अगर एक जीरो है नीचे में तो 5 छोड़ के मेरा पॉइंट लगेगा, देखिए यहाँ पे आ गया मेरा 4.5 आंसर, 5 छोड़ के एक पॉइंट लग गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिया हुआ है आपको और उसको हम लोग को लिखना है किसमें, लिखना है फ्रैक्शन में और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम लोग को उसको कट करके भी देखना है कि लोएस्ट फॉर्म में उसको ले आ सकते हैं कि नहीं। आइए देखिए, ये देखिए नंबर दिया हुआ था हमको 0.6 तो हमको पता है ना पॉइंट के बाद कितना नंबर है एक नंबर,
तो नीचे में कितना जीरो आएगा, एक जीरो, इसलिए हो गया मेरा 6/10। तो हमको पता ये कट सकता है, 2 3 6, 2 5 10, ये कट के आ गया, ये हो गया मेरा लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, ये अब और नहीं कट सकता। नंबर बी देखिए 2.5, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो नीचे में कितना जीरो आएगा, एक जीरो, तो हो गया 25/10, ये हो गया 5 5 25 और 5 2 10, और नहीं कटेगा। नंबर सी 1.0, तो पॉइंट के बाद मेरा कितना नंबर है, एक नंबर है, जीरो, ये हो गया मेरा 10, तो 10 बाई नीचे में क्या आ जाएगा मेरा 10, इसलिए ये हो गया मेरा 10 10, कट गया, आंसर आ गया 1। देखिए नंबर डी ये 3.8, तो पॉइंट हट गया तो नीचे में क्या आएगा, जीरो, देखिए पॉइंट हट गया तो क्या हो गया 38, क्योंकि 38/10, एक जीरो आ गया नीचे, ये कट गया 2 5 10 और 2 19 38, 19/5, अब नहीं कटेगा ये। नंबर ई देखिए 13.7, तो पॉइंट हट गया तो क्या आएगा, नीचे में एक जीरो आएगा, तो 137/10 आ गया, ये नहीं कट सकता, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर, ये और नहीं कटेगा, इसलिए ये हो गया मेरा आंसर, तो 137/10। नंबर एफ देखिए ये बोलता है 21.2, तो क्या हो गया 212, पॉइंट के बाद कितना नंबर था, एक नंबर, नीचे आ गया मेरा 10, तो मैं 2 से कट गया, 2 5 10, और 2 से इसको काटे तो क्या आया 106, मेरा आंसर आ गया 106/5, तो 106 मेरा इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है, तो मेरा नहीं कटेगा, हो गया आंसर मेरा 106/5। नंबर जी देखिए 6.4, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, नीचे में आ गया मेरा 10, ये हो गया 64, तो 64/10, ये कट गया देखिए मेरा 2 5 10 और 2 32 64, अब देखिए ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, नहीं कटेगा, आंसर मेरा आ गया क्या 32/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 6, ये बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 116 मिलीमीटर, जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है, आइए देखिए कैसे होगा। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को 1 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है, तो मेरा 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर, वैसे ही देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा 2, और मिलीमीटर मतलब क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर, देखिए इसलिए हो गया मेरा 2 × 1/10, इसलिए हो गया मेरा 2/10, है ना, तो 2/10 मतलब क्या होगा, 0 ऊपर चल जाएगा मेरा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा सामने, इसलिए हो गया 0.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। नंबर बी देखिए ये है 30 मिलीमीटर, तो वैसे ही 30 × 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए 30 × 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर, कैसे हो गया देखिए, तो ये था मेरा 30 और नीचे क्या था मेरा 10, तो अगर नीचे 10 है ये क्या हो जाएगा, एक जीरो ऊपर चल जाएगा, तो एक नंबर के पहले लग जाएगा ये, यहाँ पे ये हो गया 3.0, देखिए 3.0 आ गया ना मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर सी ये है 116 मिलीमीटर, मतलब 116 × 1/10, तो 1/10 मतलब क्या, एक नंबर छोड़ के पॉइंट, देखिए 11 एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो 11.6 हो गया। नंबर डी देखिए 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो 4 तो मेरा सेंटीमीटर में पहले से ही दिया हुआ है ना, तो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, तो हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है किसको, 2 मिलीमीटर को। देखिए 2 मिलीमीटर मतलब क्या होता है, 2 × 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 मतलब क्या, ये जीरो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया मेरा, और यहाँ देखिए 0.2 सेंटीमीटर था, ये हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 4.2 सेंटीमीटर आंसर, इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई बोलता है 162 मिलीमीटर, तो 162 मिलीमीटर मतलब 162 × 1/10 सेंटीमीटर हो गया ये, है ना, क्या पढ़े हैं हम लोग, देखिए 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 1/10 हो गया, ये मिलीमीटर हट गया, और 162 × 1/10 ये कितना जीरो, एक जीरो, तो एक नंबर छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, इसलिए 16.2 सेंटीमीटर। अब देखिए नंबर एफ ये बोलता है 83 मिलीमीटर, तो 83 × 1/10, 83 × 1/10 मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जीरो है तो ऊपर चल जाएगा, तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 8.3 हो गया सेंटीमीटर आ गया, बहुत इजी है। नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, ये बोलता है बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई,
विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, एक आपको नंबर लाइन दिया हुआ है जहां पे मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारा नंबर मेरा होल नंबर्स है ना। तो यहां बोलता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मेरा कौन सा दो होल नंबर के बीच में आता है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कौन सा होल नंबर के करीब है या नियरेस्ट है, ठीक है। देखिए किसके पास है, कौन सा होल नंबर के पास में आपका नंबर है वो भी लिखना है। एक लिखना है कि कौन सा दो होल नंबर के बीच में आपका आंसर आता है, ठीक है, और एक लिखना है कि कौन सा होल नंबर के पास में आपका दिया हुआ नंबर आएगा। देखिए पहला है मेरा 0.8, ये है मेरा नंबर लाइन जो दिया हुआ था 0 से लेकर 12 तक, है ना। अब ये है मेरा यहाँ 0.8, 0.8 कहाँ आएगा, 0.8 आएगा मेरा 0 और 1 के बीच में, है ना। तो ये आ गया मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा मेरा 0.8, और किसके नियरेस्ट में आएगा, ये नियरेस्ट में आएगा 1 के। क्यों, क्योंकि देखिए यह है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1। तो 0.8 कहाँ आया, 0.8 यहाँ पे आसपास में कहीं पे आएगा, ठीक है, 0 से बहुत दूर है लेकिन 1 से पास है, है ना, इसलिए ये क्या हो गया, नियरेस्ट टू 1। ओके, अब देखिए 5.1, तो 5.1 कहाँ आएगा, 5.1 आएगा कुछ यहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, 5 और 6 के बीच में है ना, तो इसलिए मेरा हो गया ये बिटवीन 5 एंड 6, है ना। देखिए बहुत इजी है, तो मेरा ये हो जाएगा 5 और 6 के बीच में, और 5.1 जो है वो 5 के बहुत पास है ना, ये है मेरा 5 और ये है मेरा 5.1, और 6 से मेरा बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए ये नियरेस्ट टू 5 हो जाएगा, आ गया। अब देखिए 2.6, तो 2 कहाँ है मेरा, देखिए ये है मेरा 2 और ये है मेरा 3, तो 2.6 मतलब 2 और 3 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, तो 2.6 जो है वो मेरा 3 के पास में आएगा और 2 से दूर है मेरा 2.6, ठीक है, इसलिए देखिए ये हो गया मेरा बिटवीन 2 एंड 3, और ये नियरेस्ट टू क्या है, नियरेस्ट टू हो गया मेरा 3, ठीक है, 2.6 मेरा 3 के नियरेस्ट में है। वैसे ही देखिए नंबर डी, ये कहता है 6.4, तो 6.4 कहाँ है, 6.4 मतलब ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ये है मेरा 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में आ गया, बिटवीन 6 एंड 7, ये नियरेस्ट टू 6 होगा। क्यों, देखिए ये है मेरा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, और 6.5 आएगा, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, फिर आएगा 7, तो 6.4 है, इसलिए 4 जो है मेरा वो 6 के बहुत ही करीब है और 7 से दूर है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा मेरा नियरेस्ट टू 6। देखिए 9.1, तो कहाँ आएगा, ये देखिए ये 9 है, तो 9.1, 9.2, 9.3 ऐसे आएगा, तो 9.1 कहाँ है, एकदम यहाँ पे है, तो 9 से पास है, और ये 9 और 10 के बीच में है, तो क्या हो गया, बिटवीन 9 एंड 10 और नियरेस्ट टू 9। नंबर एफ देखिए, ये बोलता है मेरा 4.9, तो 4 कहाँ है, देखिए ये है मेरा 4, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। देखिए 4.9 कहाँ पड़ता है, 4 और 5 के बीच में पड़ता है मेरा 4.9, देखिए बिटवीन 4 एंड 5 हो गया मेरा, और नियरेस्ट चीज के पड़ता है, देखिए 5 के पास में 4.9, तो ये हो गया मेरा नियरेस्ट टू 5, देखिए नियरेस्ट टू 5 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मेरा नंबर 8, ये बोलता है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इसको हम लोगों को नंबर लाइन में शो करने के लिए बोल रहा है, 0.2, 1.9, 1.1 और 2.5, आइए देखते हैं, ये है मेरा नंबर लाइन, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन था ए, जो था मेरा 0.2, तो ये अगर मेरा 0 है तो ये क्या हो गया, 0.1, 0.2, ये मेरा 0.2 हो गया, वैसे ये था 0.3 हो जाएगा, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 0.9 के बाद ये आ गया 1, उसके बाद 1.1, तो मेरा 1.1 भी यहाँ पे आ गया, देखिए ये हो गया 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, ये हो गया मेरा 1.9, तो यहाँ पे आ गया मेरा बी का आंसर, 1.9 हो गया। 1.9 के बाद क्या आता है, 2, उसके बाद आ जाएगा मेरा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये हो गया मेरा 2.5। तो इस तरीके से मेरा चारों का आंसर आ गया, ए बी सी डी। ओके, बहुत इजी था,
बस आपको नंबर लाइन में इसको एकदम इस तरीके से आपको प्लेस करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट्स दिया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर में, हमको पूछता है कि ये पॉइंट्स का नंबर क्या होगा बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं, 9 का ए है, ये होगा मेरा 0.8। 0.8 कैसे होगा, चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए ये है मेरा 0, तो ये अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। ये हो गया मेरा ए 0.8, इसलिए यहाँ पे हो गया मेरा 0.8, ठीक है। आगे आंसर, फिर नंबर बी देखिए, ये देखिए 0.8 यहाँ पे था, फिर ये हो गया 0.9, ये हो गया मेरा 1 दिया हुआ पहले से मेरा यहाँ पे। अगर ये 1 है फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 1.1, 1.2 और ये हो जाएगा 1.3, तो बी क्या होगा मेरा, बी हो जाएगा मेरा 1.3। आइए देखिए बी मेरा 1.3 हो गया। देखिए सी क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2, अगर ये मेरा 2 है तो इसके बाद क्या होगा 2.1, तो ये क्या होगा 2.2, तो सी हो गया मेरा 2.2। देखिए सी हो गया मेरा 2.2। देखिए डी क्या है, ये है मेरा 2, ये है 2.1, 2.2, ये हो गया 2.3, 2.4, वैसे ही हो गया ये 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तो डी हो गया मेरा 2.9। देखिए डी हो गया मेरा 2.9। आ गया आंसर, बहुत ही इजी था, बस आपको चेक करना है, अच्छे से काउंट करना है और फिर आपको लिखना है कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यानी कि रमेश के पास एक नोटबुक है जिसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये बोलता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी कि टोटल बुक का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में कितना होगा। यहाँ पे तो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में हमको चाहिए लेंथ, यानी कि बुक का लेंथ हमको चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसके लिए हमको 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है ना कि 1 मिलीमीटर मतलब होता है मेरा 1/10 सेंटीमीटर, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर में, ये इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। रमेश नोटबुक, उसके पास रमेश का जो नोटबुक था वो नोटबुक कितने का था, 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लॉन्ग था, तो 9 सेंटीमीटर तो मेरे पास है, तो 5 मिलीमीटर को खाली हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमको पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग किए हैं 5 × 1/10, है ना, ये क्या हो गया 5/10, 5/10 मतलब 5/10। अगर ऐसा हो गया तो एक जीरो है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5 के आगे ये पॉइंट लग जाएगा, देखिए ये 5 के आगे ये पॉइंट लग गया, ये हो गया मेरा 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरा 9 था पहले से, 9 सेंटीमीटर को और ये 0.5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या किया देखिए 9 सेंटीमीटर + 0.5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 9.5 सेंटीमीटर। आ गया, बहुत इजी है। नंबर बी बोलता है द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक ग्राम प्लांट है उसका लेंथ है 65 मिलीमीटर और बोलता है कि सेंटीमीटर में उसका लेंथ कितना होगा बताइए। सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, देखिए लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, तो हमको पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 65 को हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऐसे, ठीक है। तो 65 को हम लोग 1/10 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 65/10। अगर ये 65/10 हो गया तो यहाँ पे क्या है 65, यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, एक नंबर को छोड़ के पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पे 6.5 आ गया, 5 के बाद एक पॉइंट आ गया, तो ये हो गया मेरा किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मेरा लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इन सेंटीमीटर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।